नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं महाखबर। आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो हमें सब्सक्राइब करें, शेयर करें। खिलाड़ियों के उत्पीड़न के आरोप में फंसे बृजभूषण सरन सिंह ने अब नया पैतरा लिया है। भाजपा सांसद बृजभूषण सरन सिंह का कहना है कि देश में पॉक्सो का गलत इस्तेमाल हो रहा है और इसे बदलने के लिए वो संतों के नेतृत्व में सरकार को मजबूर कर देंगे। इसी मद्देनजर आगामी 5 जून को अयोध्या में संतों की का आह्वान किया गया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि 11 लाख संतों के पहुंचने की आशंका है। इसी रैली की तैयारी को लेकर आज बृजभूषण सरन सिंह ने एक सभा को संबोधित भी किया। सभा में बीजेपी सांसद ने पॉक्सो कानून और उसके प्रावधानों का विरोध करते हुए दावा किया है कि इसका बड़े पैमाने पर दुरुपयोग हो रहा है। उनका कहना था कि इस कानून का बच्चों, बुजुर्गों और संतों के खिलाफ दुरुपयोग हो रहा है तथा अधिकारी इससे अछूते नहीं हैं। बृजभूषण सिंह ने कहा कि जो धरने पर पहलवान बैठे हैं उनके पास मेरे खिलाफ कोई सबूत नहीं है, वो बस मुझे फंसाना चाहते हैं। वहीं गौरतलब है कि पहलवानों ने बृजभूषण सरन सिंह पर गंभीर आरोप लगाए हैं। विनेश फोगाट, ओलंपिक पदक विजेता बजरंग पुनिया और साक्षी मलिक सहित देश के शीर्ष पहलवान 23 अप्रैल से दिल्ली के जंतर मंतर पर धरना दे रहे हैं। ये पहलवान एक नाबालिग सहित 7 महिला पहलवान का यौन उत्पीड़न करने के आरोप में बृजभूषण सिंह की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद दर्ज हुई FIR और बृजभूषण सरन सिंह पर यौन उत्पीड़न के आरोप लगे। पहलवानों की अपील पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद बीजेपी सांसद के खिलाफ FIR दिल्ली में दर्ज हुई। उन पर एक मामला पॉक्सो एक्ट के तहत भी दर्ज किया गया है। अब ऐसे में बृजभूषण सरन सिंह का यह नया पैतरा क्या रंग दिखाएगा।